अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शन ऑफ कार्बन एल कंपाउंड, जो आज सबसे पहला रिएक्शन हमने डिस्कस करना है, ये है एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करना है कार्बन एल कंपाउंड में। किस चीज़ को ऐड करना चाहते हैं? एडिशन ऑफ, दाखिल करना है ऑफ HCN। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जो कार्बन एल कंपाउंड होता है ना, ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। ये कौन सी चीज़ देते हैं? एडिशन रिएक्शन। और याद रखिए, जो HCN है, ये एक हाईली रिएक्टिव चीज़ होती है, इसको डायरेक्ट कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। आप कहें ना, मैं इसको तैयार करके रख लूँ, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, फ़ौरन किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद कोई नई चीज़ बना देगा। इसलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया होगा, इनस्यूटो, SUITU, सही। इनस्यूटो का मतलब चेक कीजिएगा, क्या मतलब होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस टॉपिक के अंदर। कहते जो HCN है, ये इनस्यूटो तैयार किया जाता है किस चीज़ से? NaCN और HCl के रिएक्शन से। तो यहाँ पे HCN किससे तैयार करते हैं? HCN इज प्रीपेयर्ड, HCN इज प्रीपेयर्ड फ्रॉम, ये कहाँ से तैयार कर रहे थे? फ्रॉम द मिक्सचर से तैयार कर रहे होते हैं, मिक्सचर ऑफ HCl के एंड NaCN, सोडियम साइनाइड। इन दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं, इनके मिलाने से हमारे पास HCN पैदा होता है और रिएक्शन के दौरान ही यूज़ हो जाता है, सही है। HCN इन स्यूटो, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन स्यूटो का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो रिएक्शन के दरमियान में पैदा हो और रिएक्शन के दरमियान में ही यूज़ हो जाए, उस चीज़ को हम इनस्यूटो का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इनस्यूटो। कौन चीज़ होती है? दोज सब्सटांस, ऐसी चीज़ें विच प्रोड्यूस जो के पैदा होती हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान ही पैदा होती हैं एंड यूज्ड, और ये इस्तेमाल भी हो जाती है, एंड यूज, और उसी रिएक्शन के दौरान ही यूज़ हो जाएंगी। इस तरह की सब्सटेंस को ही हम वर्ड यूज़ करते हैं, इनस्यूटो। ये पहली बात होगी हमारे पास। अब मेन चीज़ आ जाते हैं हमारे पास रिएक्शन करते किस तरह हैं, वो चीज़ चेक कीजिएगा। सबसे पहले आपने कार्बन एल कंपाउंड के बारे में याद रखिएगा, तीन चीज़ों का रिएक्शन हमने हर जगह पर करवाना है। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले फॉर्म एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएंगे HCN के साथ, एल्डिहाइड, और इनको लिख लीजिएगा। आगे बहुत सारे रिएक्शन आएंगे, हमने इन तीन चीज़ों को ही इस्तेमाल करना है, इन तीन चीज़ों का ही रिएक्शन करवा रहे होंगे, सही है। फॉर्म एल्डिहाइड सेकंड नंबर पे हमने करवाना है, एसिड एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना होता है, और एक हमारे पास आता है जी एसीटोन, एक इसका रिएक्शन करवाएंगे। चले जी, एक रिएक्शन देख लीजिएगा, बाकी सारे की सारी चीज़ें हमें वैसे ही पता चल जाती हैं कि किस तरह बाकियों का रिएक्शन करवाना है। मेरे पास सबसे पहले मैं फॉर्मल्डिहाइड लेने लगा, ये वाली चीज़ मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है, क्या है? यहाँ पे भी H लगाओ और यहाँ पे भी H लगाओ, इसको नाम देते हैं ये फॉर्मल्डिहाइड है। और याद रखिएगा, इसमें केस क्या होता है, यहाँ पे पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है। यह हमने लास्ट टाइम तक अच्छे देखे डिस्कस किया हुआ, कहाँ पे पॉजिटिव आना है, कहाँ पे नेगेटिव आना है। अब इसके अंदर मैंने ऐड करवाना है कौन सी चीज़ को? HCN। अब याद रखिए, यहाँ पे भी एक चीज़, जो HCN है, इसमें H के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? हमेशा हाइड्रोजन के ऊपर एक ही चार्ज आता है, सही। वो कौन सा होता है? पार्शल पॉजिटिव, और इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव। अब खुद सोचिएगा कि हाइड्रोजन कहाँ पर जाकर लगना है, हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ना है। हमेशा ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये वाली कुछ चीज़ बन जाएगी HC, यहाँ पे भी H आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे OH लग जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन जाके इस ऑक्सीजन के साथ मिल गया है, और ये वाला CN किसके साथ जाके जुड़ेगा? कार्बन के साथ, और यहाँ पे कार्बन के साथ CN लग जाएगा। ये कार्बन के साथ कौन सी चीज़ लगी? CN। नहीं, ये वाला तरीका का आ रहा है। अब इसको कहते हैं सियानोहाइड्रिन, और ये कौन सा सियानोहाइड्रिन है? फॉर्मल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन, या सिंपल हम इसको सियानोहाइड्रिन का नाम दे देते हैं। ये कौन सा कंपाउंड बना? सियानोहाइड्रिन।
और याद रखिएगा हाइड्रोजन वर्ड हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे OHO और यहाँ पे सियानो ग्रुप भी ऐसे हम इसको नाम दे रहे होते हैं सियानो हाइड्रोजन का। अब इसके बाद मैंने फॉर्मेल्डिहाइड का तो रिएक्शन करवा दिया, सेकंड नंबर पे आ जाता है एसिटाल्डिहाइड। सिर्फ क्या करना है, एक एच चेंज करना है यहाँ पे, सही है। मैंने क्या किया, एक CH3 लगा दिया, बाकी क्या काम है, बाकी सारे का सारा वैसे का वैसे ही काम करवाना है, सही है। यहाँ पे वही HCN, यानी कि सिंपल बात कहूँ ना, यहाँ पे CH3 लगा देना है, यहाँ पे CH3 लगा देना है। और ये जो रिएक्शन हो रहा था इसमें कंडीशन याद रखिएगा, NaCN को इस्तेमाल कर रहे थे और साथ में HCl का इस्तेमाल कर रहे होते, ये दो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही। जैसे ही आप रिएक्शन करवाएंगे इन चीज़ों की मौजूदगी में, NaCN और HCl की मौजूदगी में, काम वही होना है। बाकी यहाँ तक तो कार्बन का इस साइड वाला हिसाब सेम रहना है, CH3 यहाँ तक और यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे कौन सी चीज़ लग जानी है, OH, सही है। यहाँ से हाइड्रोजन उतना इस ऑक्सीजन के साथ मैं थोड़े ऊपर करके लिख दिया, अब CN ने आके इस कार्बन आइटम के साथ लग जाना है और यहाँ पे CN लग जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमने क्या करना है जी, हमारे पास क्या है, एसिटाल्डिहाइड था, एसिटाल्डिहाइड, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे भी CH3, क्योंकि अब हमने करवाने, देखे मैंने पहले फॉर्मेल्डिहाइड का करवा दिया, फिर एसिटाल्डिहाइड का, अब एसीटोन का करवाना है। तो एसीटोन का हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरह होता है, ये मेरे पास एसीटोन है, बात वही है जो ऊपर मैंने की है, यहाँ पे HCN को ऐड करवाना है। HCN को ऐड किसकी मौजूदगी में करवा रहे होते हैं, NaCN सोडियम साइनाइड और HCl की मौजूदगी में ये काम करवा रहे होते हैं। अब होना क्या, H ने आकर ऑक्सीजन के साथ, CN ने आकर कार्बन के साथ जुड़ जाना है और हमारे पास ये वाली चीज़ें बन जानी है, CH3, यहाँ पे OH लग जाएगा और यहाँ पे CN, सही है, हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि अगर हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए, हाइड्रोलाइसिस होता है पानी की मौजूदगी में किसी चीज़ को तोड़ना, पानी की मौजूदगी में किसी चीज़ को तोड़ना, कहता अगर मैं इनमें से किसी भी चीज़ की हाइड्रोलाइसिस करवाऊँ तो ये जो CN ग्रुप होता है ये चेंज हो जाता है, जो CN ग्रुप होगा ये चेंज हो जाएगा। CN ग्रुप किस में चेंज होगा, COOH में, और ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाला टॉपिक जो अब मैंने करवाना है, ये बहुत दफ़ा पास पेपर में आ चुका है, वो किस क्या पूछते हैं, हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम सियानो हाइड्रेट, क्या आता है, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, पहला हाउ वी कैन प्रिपेयर, हाउ वी कैन प्रिपेयर, हम किस तरह तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर सियानो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम सियानो हाइड्रेन को इस्तेमाल करते हैं, हम किस तरह अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार कर सकते हैं। अब इसके लिए काम क्या करना पड़ेगा वो चीज़ चेक कीजिएगा, सही। पहले ये बताएं कि अगर मैं अल्फा हाइड्रोक्सी सियानो हाइड्रेन की क्या करूँ, हाइड्रोलाइसिस करवाऊँ तो ये चीज़ टूट जाती है, इसमें CN ग्रुप टूट जाएगा कि इसमें COOH में, व्हेन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सियानोहाइड्रेन ग्रुप इज टेक प्लेस, या सियानोहाइड्रेन अक्कर, जब ये वाला काम हो रहा होता है, द कौन से चीज़, द CN ग्रुप, ये जो सियानो ग्रुप होता है ये किस में चेंज होता है, इज चेंज्ड इनटू, ये बदल जाएगा, चेंज्ड इनटू, ये बदल जाएगा, किस चीज़ में बदलेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बदल जाएगा, ये बात आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है, ये किस में बदलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। चले जी, मैंने ये वाली चीज़ ली है एसिटाल्डिहाइड, अब इसमें गौर कीजिएगा, ये वाली चीज़ मैंने सियानोहाइड्रेन ले रहा हूँ, ये वाला क्या है मेरे पास, CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे CN, इसकी क्या करवा दें, हाइड्रोलाइसिस करवा दें, क्या करवाएं इसकी, हाइड्रोलाइसिस करवा दें। अब होगा क्या कि ये वाला जो ग्रुप है यहाँ से CN, ये जो N होगा ना यहाँ से उतर जाएगा, उतरने के बाद अमोनिया बनाएगा, क्या चीज़ बनाएगा,
अमोनिया। और हमारे पास जो नई चीज़ बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी, CH3 मैं उसी तरह बनाऊंगा, यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे COOH बन जाएगा और साथ में NH3। इक्वेशन को कर लीजिएगा बैलेंस, ये वाली चीज़ बनेगी। अब ये जो नाम है इस कंपाउंड का फॉर्मूला याद रखना है, ये फार्मूला भी पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आया हुआ है। सही है, हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड तो है। अच्छा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब देखिएगा, मैंने कहा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सी जो होता है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी किसको कहते हैं OH ग्रुप। मैंने कहा था जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हो उससे पहला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। और अल्फा के साथ कौन सी चीज लगी हुई, यहाँ पे गौर करें, हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, इसे हम इसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका जो कॉमन नेम है इसको लैक्टिक एसिड कहते हैं, क्या नाम देते हैं, लैक्टिक एसिड का नाम देते हैं। बस ये बात आपने याद रखनी है। और ये पास्ट पेपर में इसका फॉर्मूला बड़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ चुका है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड, चांद एक मैंने फॉर्मूले मेंशन करवाए हुए हैं, उन सारे फार्मूला को याद रखना है। और लैक्टिक एसिड का क्या फार्मूला, ये चीज़ अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लास्ट वाली चीज़, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, वो है मैकेनिज्म के एच से हम ऐड कर रहे हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह ऐड हो रहा होता है। सही, और याद रखिएगा मैंने ये जो स्टार्ट करवाए हुए हैं लास्ट में हमने पढ़ा था जी बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये असल में बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है। कौन से हैं बेस कैटलाइज, सबसे पहले बेस ने न्यूक्लियोफाइल बनाना है, उस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है आगे। सही, चले जी देखते हैं मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। आप मैकेनिज्म, अगर मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बेस ने रिएक्ट करना होता है किसी का, ये साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा लिख भी लेंगे ताकि हमें दो नंबर, ये याद रखिएगा जितने भी मैकेनिज्म आएंगे ना सारे के सारे मैकेनिज्म शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, दो दो तीन तीन लाइनों के होंगे, सिर्फ दो या तीन लाइनों का होगा मैकेनिज्म। सही, और ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहेगा राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN का मैकेनिज्म लिख दो, इस तरह को शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बात आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रखिएगा। अब यहाँ पे क्या करवाना है आपसे, सबसे पहले आपने कोई बेस ले लेना, देखें जी बेस हमारे पास होता है OH नेगेटिव, OH नेगेटिव किसी भी चीज़ से ले सकते हैं, जैसे NaOH है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, किसी भी बेस से आप OH नेगेटिव जनरेट करवा सकते हैं। तो ये मैंने बेस ले लिया है, अब इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया है किसी भी HNU से, NU मैंने एक जनरल कह दिया, चलो ये मैं HCN कह देता हूँ, ये जनरल मैंने कहना क्योंकि हमने HCN का लिखना है, यहाँ पे CN मैंने लिख दिया। अब आपको पता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पार्शल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव, CN के ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, OH नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, OH नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, OH नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पे, ये वाली चीज़ अटैक करेगी यहाँ पे, और आपका CN यहाँ से अलहदा हो जाएगा। ये और ये हमारे पास CN नेगेटिव और साथ में बन जाएगा HOH, या फिर सिंपल मैं कहूँगी वाटर बन जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में आपका बेस ने अटैक किया है आपके कंपाउंड के ऊपर, वहाँ से न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करवाया। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल इज जनरेटेड, न्यूक्लियोफाइल इज जनरेटेड, न्यूक्लियोफाइल को हमने जनरेट करवाया है फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम बेस, बेस का इस्तेमाल करते हुए हमने न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करवा दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला चीज़ न्यूक्लियोफाइल पैदा हुआ है। अब देखिए मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड कुछ इस तरह का होता है, ये वाला, ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसके साथ क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल CN है, कौन सी चीज़ हमारे पास CN, अब CN यहाँ पे किस जगह पे अटैक करेगा, मुझे सिंपल जगह बतानी है, कार्बन पे अटैक करेगा या ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, बच्चे ने कहा है। अब इसके ऊपर चार्ज भी देख लें, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब कहाँ पर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर करेगा, ये वाला चीज़ अटैक करेगी कार्बन के ऊपर, जाके कार्बन के साथ लग जाएगा, और ये हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा, इसने जाके कहाँ पर लगाया, ये CN, ये कहाँ पर लग गया, कार्बन एटम के साथ। सही है,
यानी कि दो बॉन्ड वैसे के वैसे रहे, मैंने सी एन को उठा के कार्बन के साथ। अब देखें अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाता हूँ तो कार्बन के बॉन्ड चेक करो कितने बन गए, पांच, पांच कार्बन एटम बॉन्ड नहीं बना सकता। इसलिए ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगा। और आपको बताया हुआ जब भी एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन जब एक एटम पे जाएंगे वहां पे कौन सा चार्ज जनरेट कर देंगे, नेगेटिव। यहां पे क्या हो जी, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बोनाइल कंपाउंड पे, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल इज अटैक ऑन इज अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया है, अटैक ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड पर अटैक कर दिया। सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका यही वाली चीज जो ये बनी हुई है, ये क्या है हमारे पास सी, यहाँ पे एक ओ नेगेटिव है, यहाँ पे सी एन लगा हुआ है, और ये वाली चीज़ मेरे पास वाटर शुरू में इस्तेमाल किया था, ये वाली चीज़ मेरे पास वाटर यहाँ पे मौजूद है। अब आपको पता है वाटर में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ हाइड्रोजन में अटैक करेगी ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में अटैक करेगी, ये वाली चीज़ हाइड्रोजन में अटैक करेगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। सही है। और हमारे पास जो चीज़ बनेगी कुछ ये वाली बन जाएगी सी, इसके साथ यहाँ पे आके OH लग जाएगा, और यहाँ पे CN लगा हुआ है, और यहाँ पे OH दोबारा फिर जनरेट हो जाएगा। इसलिए हमने कहा ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है, शुरू में बेस इस्तेमाल हुआ है, लास्ट में आपका OH वैसे का वैसा बन गया है, इस वजह से हम इसको बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं। ये था जी हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये पास्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो शॉर्ट क्वेश्चन बताया ना, मसलन ये वाला हाइड्रो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिक एसिड किस तरह तैयार करते हैं, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, मैकानिज्म ये कर लीजिएगा। ये वाले तकरीबन आने को तो कोई भी चीज़ आ सकती है, देखें सही है। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, और ये वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैकानिज्म भी आ जाता है। सही, इसमें सिर्फ एक रिएक्शन याद करना, अगर देखें आप ये वाला रिएक्शन याद करते ना, इससे मैं नीचे वाले तीनों के तीनों बना सकता हूँ। यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे भी CH3 लिखें, यहाँ पे भी CH3 लिखें, देखें नीचे वाला बन गया। सही है। अब इस जहाँ पे भी CH3 लिखें, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, ये नीचे वाला देख लें। यानी कि सिर्फ एक रिएक्शन आपने याद करना है खुद, और बाकी रिएक्शन खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इन स्यूटो का मतलब याद रखना है। इन स्यूटो ऐसी चीज़ होती है जो रिएक्शन के दरमियान में बनती है और रिएक्शन के दरमियान में यूज़ हो जाती है। याद रखिएगा ये जो HCN है ये हम बाहर से नहीं डाल पाते, कभी भी आप इसको बाहर से नहीं डाल पाओगे, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसको रिएक्शन के दरमियान में ही बनाना पड़ता है और रिएक्शन के दरमियान में ही यूज़ करना पड़ता है। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।